क्या समस्या है, आप क्यों आए यहाँ? समस्या मेरे, मैंने पेपर दिए हैं सीटी की, अगर मैं बात करता हूँ तो सीटी में मैंने 8 पेपर दे दिए हैं। 8? जी बिल्कुल 8 पेपर। पिछले कितने वक्त में? पिछले अभी इसी सरकार में लगभग 4 साल में, जब से सीटी आया 2021-22 से मैंने 4 पेपर दे लिए हैं। मैं बता देता हूँ मैंने कौन कौन से पेपर दिए। मैंने जेई का पेपर दिया है दो बार मैंने 56-57 के दिए। अभी मैंने रिसेंट हरियाणा पुलिस का पेपर दिया है और एक मैंने सीटी परी का पेपर दिया है। मैं हर एक पेपर का टॉपर बंदा हूँ और मेरे को अभी तक कोई ज्वाइनिंग या कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अगर रिजल्ट की उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद हमें रिजल्ट की नहीं मिलती है, मेरे उम्मीद मिलती है कि पेपर कैंसिल होने वाला है। और जो ये कैंसिल गैंग का जो नारा लगाने लग रही है, बीजेपी सरकार कोई कैंसिल गैंग नहीं है। अगर सरकार के होते हुए कोई कैंसिल गैंग हो सकती है तो फिर हम आगे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि अगली सरकार में कैंसिल गैंग नहीं होगी? कैंसिल गैंग तो होगी और आगे तो ऐसे भी भर्ती नहीं होंगी फिर दोबारा से, जो ये कैंसिल गैंग कह रहे हैं। कोर्ट में जाके ये अच्छे से पैरवी करते नहीं है, फिर ये बोल देते हैं कि कैंसिल गैंग है। कौन कैंसिल गैंग है? कोई कैंसिल गैंग नहीं है। सरकार तो आप ही की है ना? सरकार हमारी है, हमने बनाई। नहीं, मैं उनसे कहना चाहूँ, सरकार आपकी है, कैंसिल गैंग है तो पकड़ो। हाँ पकड़ो उनको, ये क्या पकड़ेंगे, ये अच्छे से पैरवी नहीं कर रहे। 56-57 का जो केस चल रहा था ना पिछला, जो उसमें क्या हुआ था, 15-15 तारीख लगी थी, डेढ़ दो महीना में एक एक दिन करके ऐसे काट रहे थे। बड़ी मुश्किल से अब की बार तारीख आएगी, कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता था। मिट्टी गोली मिलती थी, मिट्टी गोली क्या मिलती थी, कभी अपने एजी साहब बीमार हो जाते थे, कभी ऐसे बोल देते थे कि सरकार ने तो 25 रुपये फीस नहीं भरी है, 25-25 रुपये फीस नहीं भरी है सरकार ने, इसलिए तारीख अगली तारीख मिल जाती थी, दो महीने लेट हो जाते थे। मतलब ये तो टालने बिल्कुल टालने वाली बात है। और अब सरकार लाके हमें ऐसे मजबूर करना चाह रही है, हमारे साथ ऐसी राजनीति खेल रही है कि भाई अगर हम बंदों का रिजल्ट अगर होल्ड कर लेंगे ना तो बंदे हमें मजबूर होके हमें वोट देंगे, लेकिन ताकि यही सरकार आए और हमारी हाँ ये बोलने लग रहे हैं ना कि हम आचार संहिता के बाद रिजल्ट दे देंगे। भाई साहब कोई रोक नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने सारे नोटिफिकेशन पढ़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के ही पढ़े हुए हैं, हमने आचार संहिता ही पढ़ी हुई है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है। अब वो वाली बात नहीं है कि अनपढ़ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सबको पता है सरकार क्या करने क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। अच्छा आपने कितने एग्जाम दे लिए? जेई के एग्जाम दे लिए जी मैंने, दो जेई के एग्जाम दे लिए हैं। जेई के? हाँ जी। और 56-57 में दे लिया, दो बार जेई 56-57 के। हाँ जी। और सिटी परी भी दे लिया, ये 6-7 एग्जाम दे, 7 एग्जाम हो गए हैं जी। और हर बार हमें ये सिर्फ 7 पास हो गए, 7 रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट कहाँ आता है जी, उससे पहले पेपर कैंसिल का नोटिस आ जाता है कि कैंसिल हो गया इनका। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर दे के निकले सेंटर से, घर तक पहुंचते हैं खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया। वो भी हुआ था 2021 में, हुआ था 9 जनवरी 2021 को ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, वो भी वो 2012-13 वाला शायद। हाँ वो बिल्कुल भर्ती चल रही है ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की 2011 से, आज देख लो कितनी साल हो गई हरियाणा की युवाओं को ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी बने हुए, आप देख लो आज 15 साल हो गए हैं। 2014 में तो सरकार कह रही थी बीजेपी आने से पहले कि जो ग्रामीण ढांचा है सब कुछ बदल देंगे, जब हमने आपको बता दिया ये ऑन तथ्य रिकॉर्ड है, ऑन डेटा रिकॉर्ड है। 2011-12 में ग्राम सचिव की वैकेंसी आई थी इस कांग्रेस की सरकार में, इनकी सरकार चेंज हो गई थी, अब जब से लेके अब तक वो ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी की भर्ती पूरी नहीं हुई है। और रही बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कहीं कॉन्फ्रेंस कर ले, किसी अपने एक नेता को भेज दे, यहाँ आपको अच्छे लगेंगे वो 5 बच्चे चले जाएंगे, और नौकरियों के आधार पर एक तथ्य दे दे कि हमने वो नौकरी इस माध्यम से हमने पूरी की है। तो भाई बता रहे हैं ना कि हमें वोट दे दो तो अगली बार सब हो जाएगा, जब दोबारा सरकार तीसरी बार सरकार बन जाएगी। तो एक जुमला हो गया ना ये तो बच्चों को, भाई आप 4 साल 11 महीने से कुछ नहीं किया, अब ऐसे अटका दो कि वोट दे दो हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हालांकि ये जो भर्तियां है ना ये कोर्ट के माध्यम से चली हुई है, आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ विपक्ष को भी, सरकार आए हरियाणा में चाहे किसी की भी, चाहे हमारे बेशक 90 के 90 निर्दलीय जीत के आए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ ये भर्तियों को नहीं हला पाएंगे, ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ भर्तियां चल रही हैं। और ये बच्चा हाई कोर्ट का ऑर्डर कब का आया हुआ है? ये ऑर्डर आया था लगभग 31 मई को, 31 मई को के अंदर इन बच्चों का प्रोसेस करना था, और ये बात इनके ऊपर थी कि भाई ये HSC करके दे इनको, आज 4 महीने हो चुके हैं लगभग, इन्होंने 4 महीने से कुछ नहीं किया, अभी भी बच्चा मांग कर रहा है, आपके पास समय, कोर्ट ऑफ कंडक्ट में उस चीज की कोई रोक नहीं है, आप मत रुकिएगा उस चीज के लिए, आप कोर्ट से, इन्होंने क्या किया 15-15, 20-20 लाख रुपए के वकील खड़े करे थे भाई साहब बच्चों के साथ केस लड़ने, बता रहे थे 25 रुपए भरने के लिए नहीं है, वो फीस नहीं थी इनके पास 25 रुपए भरने की, जब कोर्ट केस चल रहे थे ना जब बच्चे लड़ रहे थे तो 25 रुपए की फीस कटवाने, एजी साहब बीमार का बहाना लगाते थे उस समय, तो इनकी उस समय मानसिकता थी कि लोकसभा के चुनाव के आसपास ये भर्तियां करेंगे। आप लोग कहते हम दे देते हैं 25 रुपया, नहीं 25 रुपए नहीं भाई साहब, एक बात और बताता हूँ, 20 ग्रुप का बच्चा आपके चैनल के माध्यम से 2 करोड़ रुपए वकीलों को दे चुका, 2 करोड़ रुपए हरियाणा से,
मतलब 2 करोड़ के अलग अलग वकील कर रखे हैं हरियाणा के 20 ग्रुप के बच्चों को, जो ये मानते हैं हमने ज्वाइनिंग दे दी है। 2 करोड़ थोड़े नहीं होते भाई साहब, बिना इससे अच्छे तो पैसे देख के नौकरी लग जाए वो ठीक था, कम से कम ये कोर्ट के न्यायालय के चक्कर तो काटने ना पड़ते भाई साहब। बात तो वही पड़ गई है, कह रहे वही पड़ गई सर की बात, सर की ही बात है, मैं ऐड करना चाहूंगा, भूल गए, कुछ यूट्यूबर्स पे केस किए हैं अब सरकार ने कि आप झूठ बोल रहे हो, भड़का रहे हो बच्चों को हरियाणा में। लेकिन सीएम साहब ने जब खुद ये बोला कि 31 अगस्त 2024 तक हम 50,000 भर्तियां पूरी कर देंगे, जब वो स्टेट के राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो उन्हीं की बातों, हम टीचर हैं जैसे, तो हम तो उन्हीं की बातों को किसी को बताएंगे? जब वो ही झूठ बोल रहे हैं तो हमारा क्या वजूद है? जब वो अपनी बातों पर खरे नहीं है, जब सीएम झूठ बोल रहा है, आप कहने चाह रहे हैं मुकदमा फिर उन पे भी चलना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, अगर हम पे केस हो रहे हैं तो सबसे पहले केस तो उन पर होना चाहिए, वर्तमान मुख्यमंत्री पर केस होना चाहिए। ये आज नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद हम कर देंगे। विधानसभा में खड़े होके कि हम इस डेट तक कसम खा के झूठ बोल रहे हैं, हम 50,000 भर्तियां, इनका जो आका है ना वो इनको लिमिट देता है झूठ बोलने की, भाई तेरे को 100 झूठ बोलने से 4 महीने में कंप्लीट हो जाए, फिर अगला बंदा खट्टर को 500 झूठ बोलने के लिए बोला कंप्लीट होगी, अब इसको दे दिया, उसको हटा दिया, उसकी तो 50 भी नहीं हुई है, उससे पहले चला जाएगा। रही बात खर्ची पर्ची की, 5 साल हो गए ना भर्ती हुए, 3 साल में मेरे ख्याल मजदूरी कर लेते ना, और वो पैसे नौकरी के लिए दे देते तो बच जाते कुछ पैसे, ये सच्चाई है। नौकरी की नौकरी मिल कारण ना, मैं फौज नौकरी छोड़ के आया हूँ, फौजी हूँ मैं सिर्फ, इसलिए हो जाएगा ठीक ठाक, ये सारे चपड़ासी ओनली, एम ए बीएड पीएचडी कुछ कर लो ग्रुप डी में, वो भी पक्का नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ये आप ये कह रहे हैं, ये झूठ बोलने की जो आयत है, आला कमान से टास्क मिला हुआ है, का नाम बोल देता हूँ सीधा, मोदी बोलता है इनको, सच बोलोगे ना भगा दूंगा तुमको, नोट कर लेना इस चीज को, हर पेपर में 80 से ऊपर नंबर लिए 5 बार, कितनी बार भाई साहब, कितनी बार लूंगा भाई। भारत के राज्य में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी 84 की मेरिट 95 में से 80 गई है, 80 अब सुनो, मैंने बताया था शुरुआत में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया था हरियाणा, 37.4 था, अमीर स्टेट है ये, अब सुनो गरीब नहीं है, अमीर है, बेरोजगारी किस प्रकार से चील की तरह टूट के पड़ रहा है, 95 में से 80 नंबर लेके बच्चा 84 लगा है, 4th कर्मचारी। अच्छा एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को लेकर ये बात आई थी कि हमारी कोशिश रहेगी जो मैनिफेस्टो में था कि हम ज्यादा से ज्यादा जो स्थान हरियाणा के ही लोग हैं उन्हें नौकरी दें, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसको लिए कैंसिल हो गया, नहीं लगे भाई साहब, एचकेआरएन लगा, एक लॉलीपॉप लगा है हरियाणा कौशल रोजगार, अब सुन लो मेरी बात, वो 75% का बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी कही, कोई लेना देना ही नहीं है भाई साहब, ये तो चुनावी घोषणा की, बेरोजगारों को भत्ता देने बजाय रोजगार क्यों नहीं दे रहे, बात ही खत्म हो जाएगी ना। एक और चीज थी कि हम रोजगार को लेकर हर जिले में कार्यालय खुलवाएंगे, वहाँ से जो वैकेंसीज होंगी पता करेंगे और उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। भाई साहब अगर कार्यालय होता ना, बीजेपी ने अपने कार्यालय को बोर्ड का ऑफिस है देखो, एक बार 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, ये बनाए, अच्छा ये बनाए इन्होंने, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि 100 करोड़ रुपए में बीजेपी ने अपने दफ्तर बनाए हैं, और ऐसे हर जिले में ये कह रहे हैं चकाचक शानदार करोड़ों रुपए खर्च कर, इन्होंने एक भर्ती की है 20 ग्रुप के नाम पे लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में कि हमें वोट मिल जाए, और अब उनके ऊपर क्या बेहतरी पता है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 6 महीने तक है बस इनकी नौकरी, बताइए प्रोविजनली सिर्फ उनको ज्वाइनिंग मिली हुई है, ठीक है चपड़ासी मिलेगा हरियाणा का, अधिकारी मिलेगा गुजरात, गुजरात का क्यों भाई, इन पिट पिट के भगाओगे तब मानेंगे, आप ये कह रहे हैं अच्छी पोस्ट गुजरात, गुजरात अच्छा, और बाकी नीचे चपरासी है, पैसा भी इकट्ठा करके उधर ही दे रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जब अधिकारी सारे गुजरात के हैं हमारे तो चपरासी हैं, क्या लेना देना है भाई हमारा, आज 56 की पोस्ट में सारे अधिकारी लगने थे, ये तो अभी तो 10 साल से वो पोस्ट पे, 10 साल से, ये 4 साल मत गिनो भाई साहब, 2014 से गिनो उस पोस्ट के ऊपर, अगर पोस्ट की बात करो तो 2014 से 24 10 साल से उन पोस्टों के ऊपर हरियाणा का एक नौजवान नहीं लगाया, एक नौजवान, और चपड़ासी लगा दी हरियाणा के 28,000 पीएचडी किए हुए, किस लिए भाई पीएचडी किए हुए, अच्छा अब थोड़ा आसान भाषा में समझा दूं कि जो ऊंचे जो बड़े पद हैं जिनका रुतबा चलता है पावर होती है वहाँ, हाँ तो वहाँ ये कह रहे हैं कि गुजरात वगैरह वहाँ से लाकर बिठा दिया है, और जो नीचे वाले पद हैं बिल्कुल चपरासी हो गया, और जो बाकी पद है वहाँ थोड़ी बहुत भर्ती कर ली है, और जो बीच के हैं वो तो लटके हुए हैं। एक बार आप बताओ, 10 साल और सुनो, एक ट्रेजेडी और है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऑफिस का भी काम करेंगे और पानी भी पकड़ाऊंगे, इनके तो दो काम हो रहे हैं, सोल नहीं 10 साल से अधिकारी नहीं है तो काम कैसे चला रही है सरकार भाई, 10 साल से तो अधिकारी लगा ही नहीं,
और ये बताते हैं अपनी रिपोर्ट, मतलब पीसीएस वगैरह इन सब की कोई भर्ती नहीं हुई। एससीएस की होती है, एससीएस की होती है, लेकिन जो बीच का एससीएस और चपरासी के बीच का जो अधिकारी है वो कहाँ? ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, ऑडिटर, ये वैकेंसियां कहाँ है? एससीएस की भर्ती वाला नहीं, वो तो शायद हुई नहीं है, और भर्ती नहीं है, हुई है कोई? नहीं नहीं कोई नहीं। एससीएस की भर्ती में भी पैसे पकड़े गए हैं, पैसे क्यों? ऑफिस में, जेल में है वो, एचसीएस की ऑफिस में पैसे पकड़े गए हैं। किसके ऑफिस में? इनका कौन सा था? शायद एक दो करोड़ रुपए वाली जो ज्यादा दे, 24 लोगों की लिस्ट पकड़ी गई थी, 24 लोगों की, नागर प्रक्रम आप सुना होगा। वो मुझे कोई शायद उस मामले में बताया था कि जांच भी थोड़ा, हाँ जांच इन्होंने रोक की थी, लेकिन वो उसके ऊपर, ये शायद खट्टर सरकार, खट्टर सरकार के मामले। चले मैं, ये भाई भी बहुत खट्टर के से खदरी, इन दोनों ने नाश खत्म कर दिया, कैसे खत्म? टीचर 35,000 पोस्ट खत्म कर दिया इन्होंने हमारा हरियाणा। तो जो एन वाले हैं वो कह रहे हैं 70 दिनों में नायाब फैसले लिए हैं, एन वाले नायाब लिया, सिर्फ फीलिंग लिए और कुछ नहीं लिया, फीलिंग ओनली। जलेबियां खाई हैं बस, और बेरोजगार को धक्के खिलाए हैं। खुद तो आज चीफ मिनिस्टर सैनी जलेबी खाते हैं, कहीं पकोड़े खाते हैं, जायजा लेते हैं, डोली वाले की चाय पीते हैं, इसकी चाय पीते हैं, डोली वाले की चाय पीते हैं नायब साहब उसके साथ, क्योंकि बैलगाड़ी पर भी घूम, हाँ बैलगाड़ी पर ये काम कर रहे हैं। कभी देखिए बैलगाड़ी कैसी होती है, बैठ के पड़ा है। मेरे जी हरियाणा ग्रुप डी में 74 नंबर है, 73-74 नंबर है 95 में से, और लेकिन हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग मैं चपरासी लगने के लायक भी नहीं हूँ, ठीक है ना? अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये देखा जाए कि सारी गलती किसकी है। अगर मान लिया बच्चों की गलती होगी तो अड़ पागल ना सारे खड़े हैं, इसमें न्यू कहा जा सके कि सारे मोटे तौर पर सरकार की गलती है, सरकार अपनी ही घोषणाओं को जो शुरू से लागू करती आ रही है। भाई कौन है चोटिल होकर जो बात कर रहा है, क्या हो गया उन्हें, वैसी कोई परेशानी है? अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बात रखना चाहूंगा जो ये कह रहे ना कि आचार संहिता में रिजल्ट पे रोक है, अभी परसों ITI इंस्ट्रक्टर का ग्रुप सी का, जो हमारी भर्ती भी ग्रुप सी में आती है, उनका रिजल्ट जारी हुआ है। जो ये बोल रहे हैं ना कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं दे सकते, उनका रिजल्ट आया है, तो ये सिर्फ मीठी गोली है जनता। लेकिन अभी भी खबरें आई कि 24,000 पद ऐसे हैं जो HSSC है, यानी हिम्मत सिंह साहब जी, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल रिजल्ट रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पुलिस विभाग के भी हैं और बाकी विभागों के भी हैं, कि हम चुनाव आयोग कहेगा तो जारी कर देंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से शायद अभी हरी झंडी उन्हें नहीं मिली है। वो तो ये कह रहे हैं हमारा सब रेडी है, ये सिर्फ है ना पब्लिक डोमेन में एक झूठ फैलाने वाली बात है हमारे ख्याल में, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हम हिम्मत सिंह जी के साथ पर्सनल मीटिंग करके भी आ चुके हैं, हमें इतनी मिट्टी गोली दी गई है। वो ये बोलते थे जब हम इनसे मिलने जाते थे रिजल्ट के लिए, तो बोलते थे आप 10 दिन है ना वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, 10 दिन में वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, हम आप और मेरे पास है ना 10 दिन के बाद मिठाइयाँ लेके आओगे, ऐसी ऐसी मिट्टी गोली दी गई हमें। और जो वैष्णो देवी घूम के आ जाओ, उधर से आओगे तो मिठाई लेके आओगे, 10 दिन में सारा काम, हाँ और आपका रिजल्ट मिलेगा आपको। ये उस टाइम की बात है जब ये पेपर कैंसिल नहीं हुए थे, फिर उसके बाद दोबारा नहीं मिलने गए, दोबारा मिलने तब जाए ना, उसे आते ही रीएडवर्टाइजमेंट कर दी, सारे पेपर कैंसिल कर दिए, किस मुंह से लेके जाए, क्या बोल ले, बोल देगा कि भाई हमने तो पेपर ही कैंसिल कर दिया, तो फिर मिठाई की जगह क्या लेकर गए, क्या लेके जाए, कुछ भी नहीं लेके जाए, वो डिजर्व नहीं करते मिठाई, और बात भी नहीं करते सर ठीक से। इनके ना जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कंधे पर आटे के कैंडिडेट कैसे बोलते हैं भाई अपने 2-3 मंगलवार के बर्थ करो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, हो जाएगा वो, पता बात आपके सामने हुई है, बिल्कुल हमारे साथ ऐसे भी हुई है, बिल्कुल ऐसे करके गोली देते हैं और कुछ नहीं करना होता है, पता नहीं 1 साल हो चुका है मेरे को, मेरे कंधे पे आटे का, आज तक तो हमें कोई नौकरी मिली नहीं। रही बात है आचार संहिता की, ये बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं हो सकते, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, देख सकते हो, मैं पढ़ के बताया तो आचार संहिता या कोई और बहाना कोर्ट के आदेशों के पालन ना करने के लिए नहीं चलेगा हाई कोर्ट, यानी कि अगर अदालत ने कोई आदेश जारी किया है, ऑर्डर किया है, तो उसके लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट या फिर किसी भी तरह के जो नियम कानून है उनका हवाला नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल अगर सरकार इतनी युवाओं की अगर ज्वाइनिंग करवाना चाहती है तो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, युवाओं को ज्वाइनिंग कराए। भगवान भरोसे, इनसे कह दिया गया वैष्णो देवी घूमा, उनसे कह दिया मंगलवार के व्रत रख लो, आपसे भी कुछ नया कह दिया नहीं सर, जानबूझ के ना ये लूप होल छोड़ते हैं हर भर्ती में कि बंदा केस करे, और जब इनके पास पूरा टाइम था भर्ती पूरी करने का तो क्या करते थे कि हमें भर्ती इलेक्शन के पास दिखानी है, उसके लिए कोर्ट में जाते कि हमारी अभी तैयारी पूरी नहीं है, हमने अभी फीस नहीं भरी, 2-2 महीनों की डेट लेते थे सर अगली कि ठीक है 2 महीने बाद देखेंगे इनकी भर्ती को, लेकिन जब इनको पेपर लेना था तो रातों रात सुबह तक इन्होंने कोर्ट खुलवाया, दोबारा पेपर भी लिया, हमारा जब जेई का पेपर कैंसिल हुआ हम दोबारा देने गए पेपर,
तो हम क्या था, हम पेपर देने बैठे हैं लेकिन वहाँ कोर्ट में हियरिंग चल रही है। बच्चा जो अंदर प्रेशर से जा रहा है उसको ये नहीं पता कि भाई मेरा पेपर मैं ठीक तरह से दे पाऊंगा या नहीं, तो वो एक तरह फोन पे चेक कर रहा है कि भाई कोर्ट में हियरिंग में क्या आया। वो अंदर बैठा, वो उस प्रेशर के साथ बैठा, लेकिन तब क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर हाथ में देने से पहले ही बोल दिया गया कि तुम्हारा एग्जाम अभी नहीं है, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब पेपर हाथ में दिया नहीं कि जाइए, एक बार कैंसिल किया, हम दोबारा गए देने, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी, इन्होंने ऐसा काम किया, उस दिन भी हियरिंग चल रही थी कि 3 बजे का पेपर है हमारा और ये वहाँ हियरिंग कर रहे हैं। बच्चे सब फोन में देख देख कि चलो भाई टाइम तो हो गया है, जो है अंदर बैठते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें पता लगा कि बल तुम्हारे पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया, आज तुम अपने घर जाइए। कौन से पेपर का जिक्र कर रहे हैं? हमारा जेई ग्रुप 1 7 अगस्त को जो पेपर था, 7 अगस्त को हम पेपर देने के लिए बैठे अंदर परीक्षा केंद्रों में, तो हमें क्या पता चला अंदर जाके कि तुम्हारा पेपर 2 दिन और पोस्टपोन कर दिया गया है, तुम अपने वापिस चले जाइए और परसों दोबारा आना। अब ये देखिए कि कोई बंदा 4-5 घंटे का ट्रैवल करके जाता है और फिर वापस अगले दिन दोबारा आएगा, तो मतलब उस प्रेशर में। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या अब सब लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कैसे पिछले कुछ सालों में कोई भी एक भर्ती ऐसी हुई है कि पेपर दे दिया और रिजल्ट आ गया हो, जॉइनिंग लेटर मिल गए हैं? इन्होंने सर बिल्कुल सिर्फ कौशल रोजगार के थ्रू किए हैं, और कौशल में भी कैसे, किसी को नहीं पता कि क्या फेयर है क्या नहीं, कोई भी लिस्ट नहीं आती, इंडिविजुअल बच्चे के पास मैसेज जाएगा, किसी ने नौकरी पे जा रहा, किसी ने सिफारिश लगवाई, किसी का फोन चला गया, तो उसके पास सब हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फेयर लिस्ट किसी की नहीं लगती है। और आप कह रहे हैं पर्ची चल रही है, पर्ची तो अब ये पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन लेकिन जो भी इनकी सरकार वाले अपने किसी ना किसी का तो फेवर जरूर करेंगे उसमें, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे बिल्कुल बहुत से पढ़े लिखे साथी थे जिनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया, तो अभी हमने जेई का पेपर दिया तो की तो बिल्कुल। कितने पेपर दे चुके आप? मैंने सर टोटल 5 पेपर दिए हैं हमारे, पहले सीईटी प्री दिया, फिर जेई का दिया, फिर 56-57 दिया, फिर दे रहे हैं ये 4-5 साल से हो गए सर, पहले सीईटी प्री दिया सर 56-57 दिया, फिर जेई का दिया, फिर सर तीनों कैंसिल हो गए, भेज दिया सरकार ने कि चलो भाई दोबारा देना, हमने फिर भी सर तैयारी की, और अब पेपर देने के बाद की निकालने में सर इतनी जल्दी करते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के बाद की निकाल देंगे, भाई अपने क्वेश्चन मिला लो और कितने तुम्हारे ठीक है कितने नहीं, फिर बिल्कुल शांत, बच्चे को कुछ नहीं पता उसका क्या होना है, रिजल्ट कब है, ज्वाइनिंग कब है अपने। आज भी कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए उम्मीद में आए हैं कि भाई कोई आज इन्होंने क्या किया, 31 अगस्त का डेट, आज इन्होंने सिर्फ एक और बड़ा काम किया, बच्चे सब इकट्ठा होने थे काफी दिनों से पता था, आज स्पेशली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उसी टाइम जो हमारा मिलने का टाइम था कि बच्चों का हौसला टूटे, जो बच्चे घर में हैं वो बच्चे बाहर ना आए कि भाई नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूं कि आज बच्चों के बहुत सारा सहयोग के साथ हमारा आंदोलन बहुत अच्छे से सहयोग से अच्छे से पूरा हुआ है, तो जो भी बच्चे कुछ समय के अंतराल के उससे चले गए हैं वो कल सुबह दोबारा पहुंचे और आना जाना लगा रहेगा। भाई आप इधर आइए, आप भी अभ्यर्थी हैं क्या? कौन कौन से पेपर दे चुके हैं? 56-57 और हरियाणा पुलिस का, ये तो तीनों एग्जाम मैंने दिए हैं। कब से दे रहे हैं? अभी दिए हैं जी, पीछे। नाम क्या है आपका? राहुल है जी। राहुल, राहुल भी मेरा ही नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कलरम के जी, कैथल। कैथल डिस्ट्रिक्ट, कलरम कैथल, रणदीप सुरजेवाला वाला क्षेत्र। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप कैथल से यहाँ आए? हाँ जी। क्या चल रहा है भैया हरियाणा में? सब लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं कि थक गए, हाथ भी पेपर देते देते यार। बिल्कुल जी, डिप्रेशन आ चुके हैं, बिल्कुल सरकार से तंग आ चुके हैं, कोई मतलब ना तो पता, मतलब फ्यूचर का पता ही नहीं, डार्क में है बिल्कुल सभी का, जितने भी हमारे युवा साथी है सबका डार्क में ही है। मतलब जो देश का भविष्य कहा जाता है युवा, उसका ही भविष्य अंधेरे में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं है सरकार से भी, मतलब ये भर्ती करेंगी भी या भी नहीं, आने वाली सरकार पे भी कोई मतलब लग ही नहीं रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 25 है जी। 25, उम्र बीतती जा रही है। और जी बिल्कुल टेंशन का माहौल है, बिल्कुल घर वाले भी डिप्रेशन है। पापा की मम्मी सब लोग क्या करते हैं, मतलब परेशान होते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डिप्रेशन है, मैं भी और हम भी तो डिप्रेशन आए हैं। मतलब ये जो नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का जो पूरा प्रोसेस होता है, उससे सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े हुए नहीं होते, पूरा परिवार सब लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, मैं अपने वाइफ के बिहाफ पे आया हूँ। अच्छा, आप वाइफ की जगह हैं? वाइफ के साथ आया हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए, यही उसे वही मैं कह रहा था, परिवार भी थोड़ा सा रहता है, परेशानी होती है। आपकी वाइफ के साथ मतलब क्या, उनका भी? हमारे ग्रुप 56-57 का उन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रही है वो, और जैसे जैसे मतलब 15-15 घंटे 14-14 घंटे मैंने पढ़ते हुए देखा है, तो लेकिन ये है कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, जैसे क्योंकि अब जैसे पहले 2000 इसमें सीईटी दिया, पहले उससे पहले ग्राम सचिव दिया जो लीक की वजह से कैंसिल हो गया, फिर सीईटी प्री दिया, उसके बाद 56-57 का पेपर दिया, तो 56-57 का फिर कैंसिल हो गया, फिर 56-57 का पेपर दिया, और अब उम्मीद है कि अगर रिजल्ट आता तो उसमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाती,
लेकिन अब ये रिजल्ट की जब आस थी, इन्होंने बीजेपी सरकार ने तोड़ दी है, क्योंकि ये बहाना मार रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है हवाला दे के इस चीज़ का। तो ये एक तरफ तो भी सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं को रोजगार देने का टाइम आता है तो इनके बहाने लग जाते हैं कि ECI ने मना कर दिया या कोई और प्रॉब्लम बता देते हैं। तो मतलब क्या महिला क्या पुरुष सब लगे हुए हैं, लेकिन मिल किसी को कुछ नहीं, मिल कुछ नहीं है। एक हाँ, आपको 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड लीजिए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राम मेरे है जी। बच्चे की वजह से आए हुए हैं? हाँ, मेरे बच्चे ने एग्जाम। कहाँ से आए? जिला भिवाणी है, अलका तो साम, जहाँ से बंसीलाल सीएम बनता था कभी। बंसीलाल? हाँ बताइए। ऐसा है, ये बच्चे हैं लगभग जो 25,000 वैकेंसी हैं, तो ये ओनली मतलब ये आजकल उसका ज़माना है फ़ोन का, ये ग्रुप वगैरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आया तो इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि उनको अगर पूत के पैर पालने दिख जाए अगर किसा बनेगा, तो ये मतलब एक मुहिम चलाई थी इन बच्चों ने कि सरकार देख लिया था जॉब देने वाली सरकार नहीं है ये, तो इन्होंने एक एंथम दिया था सभी स्टूडेंट ने, नो जॉब नो वोट, बड़ा ट्रेंड किया था उस टाइम पर। और वो नो जॉब नो वोट इनकी 10 सीट थी पहले, उसको 5 पे ले आया था। अब 41 से फिर हाफ करवा, मैं बताऊंगा। अभी नया ट्रेंड चला है नो ज्वाइनिंग नो वोट, ये नया एंथम है। जब 10 से 5 पे आ गया नया एंथम, ऐसा चलेगा ये साफ होंगे हरियाणा से, आप कहीं खुले मन से बता रहा हूँ मैं। मतलब आप, इतना ही बोलना था बस। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त तक कोई मतलब ही नहीं था, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे थे, फिर कुछ भर्तियों का रिजल्ट जारी किया तो अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो उन्होंने एंथम दिया, उस समय स्टूडेंट ने दिया था नो जॉब नो वोट, वो 5 सीट पे ले आया, अब एंथम दे रखे नो ज्वाइनिंग नो वोट। एक लोकपोल का सर्वे आया है, वो कह रहा है कि जो बीजेपी है 20 से 29 सीटों तक सिमट जाएगी, और जो कांग्रेस है वो 58 से 65 तक जा सकता है, यानी कि सरकार के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे 25,000 बच्चे हैं तो न्यू मानो एवरेजन 5 मेंबर फैमिली, यानी कि 25 पंजा 125, 1,25,000 तो यही हो गए। जब खुद के परिवार में 1,25,000 आदमी हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी तो होगी कि 5-10 आदमी उनके भाई को चाचा का है, ताऊ का है, परिवार का है, 20 गुना, जब 25 का 20 गुना करोगे तो 5 लाख, 5 से 7 लाख वोट पक्की हैं। ये 25,000 दिखे हैं बच्चे, लेकिन ये 5 से 7 लाख वोट हैं, और 5 से 7 लाख वोट विधानसभा चुनाव में जो 200 से 400 से 500 से 2,000 से सीट हर जगह से डालेंगे, सीट हारेंगी नहीं, फाइट की जो सीट होंगी ना वो सभी हारेंगे ये, और उसका मेन कारण यही होगा। मैंने इतना ही बोलना था बस। आप आ जाइए भाई, वो दूर बैठे थे, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आपको लग रहा देख के बहुत तैयारी करते करते ज्यादा परेशान हो गए हो हैं? और क्या यार, कहाँ से रहने वाले हो? सिरसा। कुमारी शैलजा जी, 56-57 का, 56-57 वाले बहुत हैं। पेपर दे रखा है, आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, जैसे थे 10 साल पहले वैसे ही अब हैं। कब से दे रहे हो पेपर? मैंने तो फैशन करना ही छोड़ दिया है? नहीं, मेरे को फैशन करना भी आता था, तो सब मोह माया छोड़ दी, शादी ब्याह की उम्मीद भी छोड़ दी। ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ही करेंगे, ज्वाइनिंग ये दे नहीं रहे। मैं सरकार को ये कह रहा हूँ, 3-4 दिन का टाइम है, ज्वाइनिंग दोगे तो सही है, नियम सारे इकट्ठे होके ऑन मीडिया कांग्रेस के कार्यकर्ता बनेंगे और इनका प्रचार करेंगे कांग्रेस का, और इनको बिल्कुल साफ 10 सीट से भी नीचे। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से भर्ती रुकती हैं, पर्ची खर्ची वाली बात कहती हूँ, तो वो फिर वो ये नहीं कहने लगेंगे, फिर वो ये कहेंगे कांग्रेस तो नहीं करवाया, वो ये भी कहेंगे कि ये भाई ये असली प्रदर्शनकारी नहीं थे, अभ्यर्थी नहीं थे, ये तो कांग्रेस के एजेंट थे। अरे हमें 3 दिनों में ज्वाइनिंग दे दो, हम आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे। सीधी सी बात है, हम ये नहीं कि हम वोटर हैं, हम कार्यकर्ता बन जाएंगे बीजेपी के। भाई सरकारी नौकरी करोगे, कार्यकर्ता बनोगे? जब तक ज्वाइनिंग वोट देंगे हम अपने घर वाले रिश्तेदार, गली में एक पटवारी लगता है ना, तब आधा गांव वोट उस साइड देता है। डी ग्रुप लगने से सिर्फ एक परिवार देगा, एक पटवारी लगने से आधा गांव वोट बीजेपी को देगा। जब एक भी नौकरी ना लगे तो फिर क्या करेगा? फिर साहब हाँ, दो गांव विरोध में होंगे भाई। नौकरी का तो सिलसिला पूरे हर घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है, खाने कमाने के लिए ना, में दो ही चीज है, नौकरी और खेती। खेती में बारिश बुरिश की वजह से कुछ नहीं बचता, नौकरी ये दे नहीं रहे तो खत्म है। नौकरी ले जाइए, फैशन करना शुरू कर देना। अरे बहुत आता है मेरे को, बहुत फैशन आता है। कम से कम सरकार को इन भाई की भी बात सुननी चाहिए, देखिए कैसे कितना जुल्म हो रहा है यार, फैशन करना छोड़ दिया भाई साहब ने। नाम फिर से बताइए। पवन कुमार सिरसा से हूं, कैंडिडेट। चलिए यार बहुत बढ़िया, 6 पेपर दिए, 6 में टॉपर, 85 प्लस है, 6 बार पेपर दिया, 6 के 6 बार।
उम्मीद करते हैं आप भी जल्दी फैशन करो। आपका नाम भाई साहब? प्रिंस नाम है सर, भिवानी से हूँ। भिवानी से आप? यस सर। कौन से पेपर दे चुके हैं आप भी? मैंने हरियाणा पुलिस भी दिया सर, और जेई भी दिया है, और कलर्क का भी दिया, ग्रुप नंबर 57। और 2019 से लगातार पेपर ही दिए जा रहे हैं। पहले तो इनका केस था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को लेके। पहले क्या था, ये 20 नंबर देते थे सर, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 5 उसके, 5 एक्सपीरियंस के, 5 जिसके फादर नहीं है। इस केस के चलते चलते इन्होंने 2 साल तो कोर्ट खेलते रहे बच्चों के साथ। फिर इन्होंने 56-57 का एग्ज़ाम लिया। पहले तो हमने 9 जनवरी 2021 को हेलो एक बार ग्राम सचिव का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। फिर ये लेके आए सीईटी पॉलिस के, एक साल से रजिस्ट्रेशन चलता रहा इनका। एक साल के बाद इन्होंने परी लिया। परी लेने के बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद, एक साल के बाद 2022 में 56-57 का एग्ज़ाम लिया। कोर्ट केस चलता रहा। 2023 में डिसीजन आया कि सारी भर्तियां री एडवर्टाइजमेंट करके 31 मई 2023 को री एडवर्टाइजमेंट हो गई थी सारी भर्ती, जेई की भी सारी कैंसिल करके दोबारा इन्होंने पेपर कंडक्ट करवा लिए। मतलब आप पेपर दे रहे हो लगातार? रिजल्ट ज्वाइनिंग नहीं है सर, रिजल्ट और ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है मेरे। मैं 2019 से दे रहा हूँ, मेरा 5 साल क्लियर था, जेई भी क्लियर था। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसलिए नाम नहीं आया क्योंकि घर में गवर्नमेंट जॉब थी पहले। मतलब आपका जेई क्लियर हो गया था, मतलब रिजल्ट आ गया था। हरियाणा पुलिस में भी एक्स्ट्रा नंबर की वजह से रहा। इन्होंने क्या कर रखा है, अब एक्स्ट्रा नंबर तो खत्म कर दिए, चलो अच्छा काम किया, लेकिन अब क्या है, ज्वाइनिंग और रिजल्ट नहीं दे रहे सर। बहुत परेशान हो रखे हैं। मम्मी पापा भी एक उम्मीद में रहते हैं कि हमारे बेटे की शादी। क्या अकेले हैं आप? अकेले? मैं बड़ा हूँ सर, बड़े पढ़ाई करता है, बड़े पर जिम्मेदारी बहुत होती है। क्या करें सर, परेशानी बहुत हो रखी है, ये समझ में नहीं आता सर। और क्या करते हैं? अभी 7 अगस्त को हमने जेई का एग्जाम। क्या करते हैं? पापा यहाँ पे प्राइवेट जॉब पे थे सर, अभी कंपनी का। कैसे, कितना, क्या बताएं, बड़ा मुश्किल होता है तैयारी करना, इतने लंबे वक्त तक पढ़ना, फिर उम्मीद में बैठे रहना। हमने सर 15-15 घंटे पढ़ाई की है, ये नहीं पता था दिन कब हुआ, रात कब हुई, खाना कब खाया कब नहीं खाया। अब क्या करें सर, 7 अगस्त को हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चले गए, हमारा जेई का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के सेंटर के अंदर चले गए। सेंटर के अंदर पेपर तक नहीं आए थे। मैंने मैम को पूछा, मैम 3:45 का टाइम हो गया है, हमारा पेपर कब स्टार्ट होगा? बोले मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पहली बार ऐसा देखा कि सेंटर पे भी एग्जाम नहीं आए। 7 अगस्त को पेपर कैंसिल कर दिया सर, फिर 9 को दोबारा दिया। अब हम इसलिए इकट्ठा हुए ताकि मेरे रिजल्ट और ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो यहाँ जितने युवाओं से हम बात करेंगे, जितने भी लोग यहाँ बेरोजगार आए हुए हैं, सबका अपना अपना दर्द है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई इस उम्मीद में घर का बड़ा है कि नौकरी मिल जाए तो घर का खर्चा पानी चल जाए। और एक भाई तो हमें ऐसे मिले कि उन्होंने सजना धजना ही छोड़ दिया है क्योंकि नौकरी नहीं मिली है। यानी जितने लोग हैं सबकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग परेशानी है, अलग अलग दिक्कतें हैं, और इन सबकी लेकिन मांग एक ही है कि वक्त पर रिजल्ट भी जारी हो, ज्वाइनिंग भी हो, ताकि हमारा जो भविष्य है वो अंधेरे में ना रहे, हमारा भविष्य समझ सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, रोहतक, हरियाणा। नमस्कार।